हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने अपने चैनल पे। तो गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट आया है कंप्यूटर साइंस और आईटी लोगों के लिए। तो क्रिस के थ्रू रिक्रूटमेंट है और आप जो पोजीशन है वो असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। ठीक है, टोटल जो आपके वैकेंसीज है वो 144 वैकेंसी है, तो अच्छा नंबर है। और गेट एग्जाम ईयर आपका सिर्फ 2022 होना चाहिए, तो वही लोग एलिजिबल है जिन्होंने गेट 2022 दिया है। ठीक है, अभी पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले आपको इस रिक्रूटमेंट के रिलेटेड, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज एलवेज हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो 60% एग्रीड आपका कंपलसरी चाहिए, बी बीटेक एम एम टेक बी एस सी एम एस सी, ओके, जिस बेसिस पे अप्लाई करोगे ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। और 55% एग्रीगेट क्राइटेरिया है एसएससी पीडब्ल्यूडी के लिए। पोस्टिंग आपका इंडिया में किधर भी हो सकता है। प्रोसेस रहेगा आपका गेट स्कोर, सो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका गेट स्कोर वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट रहेगा और फिर आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो है पोस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 साल का है। ठीक है, और बॉन्ड आपका रहने वाला है 2 साल तक, मतलब 2 साल आप क्रिस को छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आपको छोड़ के जाना है तो आपको 2 लाख रुपए भरना पड़ेगा, ये बॉन्ड अमाउंट होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा इसको अप्लाई करने के लिए। और साइड बाय साइड आप अच्छे से प्रिपरेशन कर ही सकते हो। ओके, एक अच्छा जॉब आपके पास रहेगा और सैलरी भी अच्छा ही है, 7.2 LPA मतलब अच्छा ही है, तो गुड अपॉर्चुनिटी है खासकर कंप्यूटर साइंस के लिए जिधर कोई भी वैकेंसी आता नहीं है। ओके, और 5 साल अच्छा पीरियड रहता है, तो डेफिनेटली लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आपको उधर मिलने वाली है। ओके, ये तो एक है। एज लिमिट आपका है कट ऑफ डेट 24th of May। ठीक है, एज लिमिट है 27 जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी 30, एसएससी 33, पीडब्ल्यूडी के लिए 37 जनरल, ओबीसी 40, एसएससी 43। इंपॉर्टेंट डेट से फॉर्म्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 25th को और एंड होने वाला है 24th May को। ठीक है, जॉइनिंग का अगर मैं बोलूँ आपको तो जो मतलब प्रीवियस ट्रेंड रहा है क्रेज का, तो थोड़ा बहुत डिले रहता है हमेशा। ठीक है, तो जस्ट सेप्टेम्बर और अक्टूबर आप सोच सकते हो कि आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, तो जस्ट ये आपके माइंड में होना चाहिए। फीस क्या है, तो 1180 रुपीज़ है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी एसएसटी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कितना वैकेंसी वाइज ब्रेकडाउन है, कैटेगरी वाइज क्या है। तो 144 वैकेंसी आपका है। ठीक है, ओपन के लिए 58 है, ओबीसी 39, ईडब्ल्यूएस 14, एससी 22 और एसटी 11 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन जिन्होंने बी बी टेक एम ई एम टेक बी एस सी एम सी ए किया है वो एलिजिबल है। क्राइटेरिया आपका एक तो परसेंटेज का याद रखो और आपका जो गेट पेपर कोड है वो कंप्यूटर साइंस का होना चाहिए। ठीक है, गेट 2022 का, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ऑल द बेस्ट सबको जो भी अप्लाई करने वाले हैं, आई होप आपका सिलेक्शन हो। और डेफिनेटली अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो मैं हुई इधर कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको रिजोल्व करूंगा। ठीक है, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो और टेलीग्राम है उसको ज्वाइन करके रखो। और अपना जो यूट्यूब कम्युनिटी है तो वो भी अभी एक्टिव हो चुका है, तो उधर भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं और जो भी चीज़ें हो रही है अपना गवर्नमेंट जॉब पे वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी मिस मत करो। ऑल द बेस्ट।